सो फाइनली दोस्तों, डंकी वर्सेस सलार, बिग ब्रेकिंग न्यूज। अरे भाई साहब, डंकी वाले कर क्या रहे भाई, सलार से जीत नहीं सकते हो तो स्कैम पे स्कैम किए जा रहे हैं दोस्तों। और आज भी स्कैम जारी है सूरत गुजरात के अंदर दोस्तों। ये स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ मैं, आपको दिखाऊंगा कि भाई कितना बड़ा स्कैम चल रहा है डंकी का कॉर्पोरेट बुकिंग को लेकर। सारी सोच दोस्तों फास्ट फिलिंग दिखा रखा है, ग्रे दिखा रखा है, लेकिन सीटें दोस्तों खाली है। कुल मिला के भैया रमैया अवस्था भैया, डंकी का स्कैम जारी है भैया, कॉर्पोरेट बुकिंग चालू है भैया, आज है शनिवार भैया, सलार की ऑक्यूपेंसी सॉलिड है भैया, थिएटर हर जगह दोस्तों भरा हुआ है भैया, डंकी वाले छपरी गैंग दोस्तों परेशान है भैया कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा उनको, और स्कैम पे स्कैम किए जा रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज है शनिवार दोस्तों, और आज कोई नई फिल्म तो रिलीज नहीं हुई है, लेकिन सलार ने नॉर्थ साउथ दोनों में आग लगा दी है, और डंकी दोस्तों हैरान और परेशान है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लाइक कमेंट करते रहिए, और अपने भाई को इसी तरह प्यार देते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो करके प्यार दे दो यार। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वेल दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई साहब ये देखो यार, ये सलार का जो एक थिएटर है दोस्तों, सुषमा थिएटर वनस्थली पुरम के अंदर, भाई साहब हाउसफुल, मतलब भाई सलार दोस्तों आज कल रात को पूरा थिएटर फुल था, मैं देख रहा हूँ कई जगहों पे सिंगल थिएटर में। आज भी दोस्तों शनिवार की सुबह 6 बजे के, 7 बजे के, 10 बजे के शो दोस्तों हाउसफुल नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज है हॉलिडे, और टिल 1 जनवरी तक दोस्तों नए साल तक लोग अब थिएटर में ही मिलेंगे आपको, ठीक है। और लोगों के रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सलार की तरफ आ रहे हैं, जनता सलार को देखना पसंद कर रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि बुक माई शो पे लास्ट 24 आवर्स के अंदर सलार 2,12,600 टिकट बिके थे, एंड वही दोस्तों डंकी के 1,92,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि हर एक घंटे में 4,000 टिकट डंकी के सोल्ड आउट हो रहे हैं, सलार के हर एक घंटे में दोस्तों लगभग 6,000 टिकट सोल्ड आउट कर रहे हैं। मैं स्क्रीनशॉट भी दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। इसके साथ ही साथ दोस्तों डंकी का स्कैम जारी, जैसे मैंने बताया था कि डंकी एक थिएटर है दोस्तों, महाराजा थिएटर करके भुवनेश्वर में, वहाँ पर ड्यू टू लो ऑक्यूपेंसी डंकी के थिएटर जो है खाली थे, वहाँ पर टिकटें ज़्यादा बुक नहीं हो पा रही थी। तो जितने भी दोस्तों जितने भी शोज थे डंकी के नाम जो किए गए थे, वहां पर डंकी के नाम पे शोज किए गए थे, जनता डंकी के लिए टिकट बुक की थी, वो सारे के सारे शोज कैंसिल करके दोस्तों थिएटर के मालिकों ने सलार के नाम पे कर दिए, मतलब सलार चलवा दिया। क्योंकि भाई साहब आपको बता दूं कि डंकी कोई नहीं देख रहा है, खाली थिएटर से ना मोटिवेशन भी नहीं बढ़ता यार इन थिएटर मालिकों का। ये कब तक अपने जमीर को झुटलाते रहेंगे कि यार खाली थिएटर चला दो, ऐसा नहीं हो सकता ना दोस्तों। इसके साथ ही साथ सूरत गुजरात में बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है दोस्तों। आपको बता दूं कि स्क्रीनशॉट देखोगे जब आप, तो सूरत गुजरात के अंदर आज 30 तारीख है दोस्तों, 30 दिसंबर, और आप स्क्रीनशॉट देखोगे 12 बजे 12:30 बजे 1:45 के शोज, 1:45 AM के शोज, ठीक है, AM के शोज का मतलब समझ गए दोस्तों आप, यानी कि रात की आज, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि रात के शोज आज सुबह हुई नहीं स्टार्ट, और रात के शोज भगवा हो जाएगा, हर जगह फास्ट फिलिंग हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना दोस्तों। तो सारे शोज जो है फास्ट फिलिंग कर रखा है, ठीक है, और आपको बता दूं सब ग्रे कर रखा है, मतलब आज रात के शोज, मतलब दिन के शोज ग्रीन है और रात के शोज मतलब भगवा है, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही ऑकवर्ड अननोन सा दिख रहा है कि जहां आपके सुबह के शोज खाली पड़े हैं, दोपहर के शोज खाली पड़े हैं, इवनिंग के शोज खाली पड़े हैं, आप रात के 12:30 और 1:45 के शोज भर रहे हो दोस्तों। दैट इज़ कॉल्ड द कॉर्पोरेट बुकिंग, और जानबूझ के इनको कॉर्पोरेट बुकिंग दिखाया जाता है ताकि शोज दोस्तों ये लोग अपने टिकट खुद खरीद लेते हैं, और जानबूझ के कलेक्शन में हेर फेर दिखाते हैं, जिसकी वजह से कलेक्शन जो है कभी भी अच्छा नहीं आता, कलेक्शन हमेशा बढ़कर आता है दोस्तों। और यही रीजन है कि बुक माई शो पे यहां तो दिख गया भैया, अपने टिकट खरीद लिए तो जाहिर सी बात है कलेक्शंस तो बढ़ेंगे ना, कलेक्शंस बढ़ेंगे दुनिया की नजरों में, लेकिन अपने नजरों में कलेक्शन तो बढ़ ही नहीं रहे ना, क्योंकि टिकट आप ही खुद खरीद रहे हो, और यही काम दोस्तों हो रहा है, फेक कलेक्शंस, इसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग दोस्तों, इसी को बोलते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों कल डे 9 था डंकी का, कल डे 9 में आपको बता दूं कि 7,25,00,000 का कलेक्शन किया डंकी, सिंगल डिजिट में आ चुकी है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि आज डे 10 का कलेक्शन लगभग एडवांस में 2,52,00,000 का कर चुकी है डंकी, और शो जो चल रहे हैं 7,323 शोज और 95,420 टिकट बिके हैं। वेल दोस्तों इसके साथ ही साथ ग्रॉस में डंकी ने 340 करोड़ पार कर लिया है, फेक में ही किया है दोस्तों, क्योंकि दिख रहा है सब टिकट खुद ही
खरीद रही है। इसके साथ ही साथ नेट में 167 करोड़ कलेक्शन कर चुके हैं इंडिया के अंदर। वहीं सलार दोस्तों कुल मिला के हिंदी में भी फुल टक्कर दे रही है नॉर्थ के अंदर डंकी को। हालांकि शोज और जो स्क्रीन्स तो कम ही है, लेकिन शोज कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि 7000 शोज के आसपास चल रही है सलार, क्योंकि टक्कर दे रही है शोज के मामले में भी। 4 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर चुकी है आज सलार, और लगभग दोस्तों को बता दूं कि 1,79,948 टिकट, मतलब डंकी के दुगना टिकट आज बेच चुकी है। 11,571 टोटल भारत में शो चल रहे हैं, और नॉर्थ में 7,259 ग्रोस के अंदर ये फिल्म ऑलरेडी दोस्तों आपको बता दूं कि 318 करोड़ कलेक्शन इंडिया में की हुई है, और नेट में और ग्रॉस में लगभग 600 करोड़ के पार का पोस्टर आने वाला है फिल्म मेकर के द्वारा। इसके साथ ही साथ दोस्तों जल्द ही एक और पोस्टर आएगा 8 मिलियन नॉर्थ अमेरिका में, $8 मिलियन का ह्यूज कलेक्शंस करके इतिहास रच दिया प्रभास की फिल्म सलार ने। एंड वेल दोस्तों आपको बता दूं कि जिस हिसाब से अभी आज सैटरडे है, संडे है एंड मंडे है न्यू ईयर तक, ये 3 दिन बहुत ही विशेष दिन होने वाले हैं सलार फिल्म के लिए और डंकी फिल्म के लिए। क्योंकि डंकी फिल्म के लिए विशेष इसीलिए होगा क्योंकि ये लोग खुद ही टिकट खरीद लेंगे और डंकी कोई देख तो रहा है नहीं, फेक कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा, और डंकी इन 3 दिन में ऐसा कलेक्शन दिखा देगी जिससे दोस्तों आप बिलीव करो। क्योंकि 1 तारीख के बाद डंकी वैसे भी नहीं चलेगी, वैसे भी सिंगल डिजिट में आ चुकी है। क्या डंकी जो है आज शनिवार और रविवार और मंडे तक डबल डिजिट क्रॉस कर पाएगी? दोस्तों फेक तो हो रहा है कलेक्शन नो डाउट, लेकिन जो ये सलार है दोस्तों, सलार का देखो यार कल का कलेक्शन आया 10 करोड़ का, आज उम्मीद कर रहे हैं कम से कम शनिवार को 15 करोड़ भी आ जाए, संडे को 20 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ ऐसे कलेक्शन 3 दिन में कर लेगी तो बहुत अच्छा कलेक्शन सलार का देखते हुए मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आपको बताया मैंने कि नॉर्थ में सलार तो चल ही नहीं रही है, चल क्यों नहीं रही है, स्क्रीन्स नहीं है, चल तो बहुत कुछ रही है। लेकिन इसके अलावा एक बात बता दूं आपको कि हैदराबाद में जब मैंने देखा तो भाई हैदराबाद में डंकी खत्म हो चुकी है, लेकिन वहीं हैदराबाद में साउथ के अंदर मोस्टली गाचीबौली और तमाम जितने भी थिएटर्स हैं दोस्तों आपको बता दूं कि सलार ने बाजी मारी है, हर जगह भगवा दिख रहा है, और हैदराबाद में भाई सब आज क्या ही कहने हैं, कल तो बवाल मच जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों हम वेट कर रहे हैं सलार के 600 करोड़ के फिगर का, जल्दी पोस्टर आए, $8 मिलियन का पोस्टर का जो फिल्म मेकर कुछ ना कुछ डाटा शेयर करें हमारे साथ। ऑक्यूपेंसी दोस्तों आज सलार के मॉर्निंग की लगभग 20% की आ रही है, और कहीं ना कहीं अच्छी ऑक्यूपेंसी चल रही है, और सीटें भी काफ़ी अच्छी है, और शोज भी काफ़ी अच्छे मिले हैं सलार को दोस्तों। तो नो डाउट दोस्तों सलार ऑब्वियसली यार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और डंकी का आपको मैंने बता ही दिया दोस्तों कि डंकी का बेड़ा गड़त हुआ पड़ा है, और जितने भी थिएटर के मालिक है यूजुअली डंकी को उतने शोज नहीं दे रहे हैं जितने कि सलार को दे रहे हैं, और डंकी स्कैम पे स्कैम किए जा रही है। दोस्तों क्या लगता है, क्या डंकी का कॉर्पोरेट बुकिंग चालू है? क्या लगता है आपको कि वाकई में डंकी का कलेक्शन जो 300 करोड़ पार कर चुकी है फेक है, सलार का कलेक्शन रियल है? कमेंट करके बताओ। जय हिंद जय भारत। और क्या आपने डंकी सलार को देख लिया है या आज देखने जाओगे, ये भी कमेंट करके बताओ। जय हिंद जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोस्तों इसी तरह प्यार देते रहिए, थैंक यू वेरी मच।